बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने अपनी फिल्मों के फ्लॉप होने की वजहें बताई हैं। हाल के समय में कैटरीना की फैंटम, फितूर और बार बार देखो जैसी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। कैटरीना इन दिनों आने वाली फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशन में बेहद बिजी हैं। कैटरीना ने अपनी लगातार फ्लॉप हुई फिल्मों पर बात करते हुए कहा कि जैसी फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह है उन दिनों उनका परेशान रहना और काम पर ध्यान न देना था। कैटरीना ने कहा, मैं मानती हूँ मेरी कुछ बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। उन दिनों मेरा ध्यान फिल्मों से हटकर कहीं और जा चुका था। उन फिल्मों को मैं अपना 100% नहीं दे पाई थी। उस समय की गई उन बड़ी गलतियों को मैंने पूरी तरह सुधार लिया है, जिसके बाद जग्गा जासूस में मैंने पूरी मेहनत की है। इसके आगे तो जनता ही बताएगी कि ये फिल्म कैसी है। वैसे उन दिनों कैटरीना और रणवीर के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी और दोनों का ब्रेकअप भी हुआ था। शायद कैटरीना उन परेशानियों की ही बात कर रही है। खैर जो भी, पर जग्गा जासूस के प्रमोशन में दोनों को एक साथ कंफर्टेबल देख के कहना गलत नहीं होगा कि कैट अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।